प्रयागराज में नारी शक्ति सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी, महिलाओं से किया संवाद, महिलाओं को दी लाखों की सौगात। हाथस पहुंची बीजेपी की जनविश्वास यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया जनता को संबोधित। बस्ती में कांग्रेस युवा महिलाओं ने निकाली रैली, कांग्रेस की गिनाई उपलब्धियां, 2022 में किया कांग्रेस की जीत का दावा। अलीगढ़ में धरने पर बैठे किसान, चीनी मिल चालू कराने की कर रहे मांग, मांग पूरी न होने पर दी जीएम कार्यालय बंद करने की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश के प्रधानमंत्री मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं से संवाद किया, साथ ही लाखों महिलाओं को स्वागत दी। वहीं इस दौरान मौके पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाओं से सीधा संवाद किया है, नारी शक्ति सम्मेलन का हिस्सा बने, यहाँ पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए साफ तौर पर नजर आए। उनके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे थे, महिलाओं से संवाद किया था और भारी संख्या में यहां पर महिलाएं भी पहुंची हुई नजर आई थी। इसके अलावा तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी किए हुए थे। लाखों की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दी है। तो इस राउंड में महिलाएं भारी संख्या में पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान करते हुए नजर आई। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। जितना लेन देन गांव में होगा उतनी ही उनकी आमदनी भी होगी। इनमें से ज्यादातर बैंक संख्या वो बहनें हैं कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा हाथरस पहुंची, जहां इस जनविश्वास यात्रा का लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर सहित जिले के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान जनविश्वास यात्रा को लेकर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। हाथरस की तस्वीरें, जनविश्वास यात्रा का भव्य स्वागत हाथरस में किया गया। डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम लगातार सपा और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि जनविश्वास यात्रा हर जिले में पहुंचेगी और यहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। लगता है बीजेपी ये 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 भारतीय जनता पार्टी के बढ़ता हुआ प्रति जनविश्वास है और जनविश्वास इस प्रकार का है कि बीजेपी की जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे जन समर्थन बढ़ रहा है। कल अलीगढ़ में जनसमूह उमड़ पड़ा था पूरा, आप चाहे कहीं पर देख लो, चाहे वो बलिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे इधर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, आज लोग घर से निकलकर इस यात्रा का, जनविश्वास यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक तरफ का एक पक्षी चुनाव हो रहा है और ये सारे दल अगर एक साथ भी मिल जाए, मैं तो कहूँगा कि भाई ये एक दूसरे से बगैर चुनाव चिन्ह अलग अलग लड़के जो आपस में तालमेल करके लड़ रहे हैं उसके बजाय ये मिलकर लड़े और तब भी ये पराजित होंगे और बुरी तरह पराजित होंगे। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी।
2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इसी के चलते सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह कानपुर देहात के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर देहात का भ्रमण किया, साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जानकारी भी ली। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करती हुई नजर आई। कानपुर देहात की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर यूपी चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज नजर आ रही हैं। सपा ने जीत के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की पूरी कवायद यहां पर कर दी गई है। तो कानपुर देहात की तस्वीरें, जहां पर चुनाव के चलते तैयारियों में जो सपा है वो जुटी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश जो है वो चल रही है। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि हजारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारी जी वे के सामने पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। खबरों की माने तो सभी कर्मचारी 9000 कर्मचारियों की बर्खास्ती से नाराज हैं और इसी के चलते उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। लखनऊ की तस्वीरें, एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। कर्मचारियों की बर्खास्तगी से नाराज कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, जब तक उन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वो यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे। जी, धरना इसलिए चल रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों को अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया गया, जो 9 वर्षों से कार्यरत थे लगातार, 9000 कर्मचारियों को जीबीके एमआरआई कंपनी, जो कि महाभ्रष्ट कंपनी है, एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी, इन्होंने बर्खास्त कर दिया गया। तत्काल रूप से हमारी मांग है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल किया जाए, जिनकी संख्या 9000 है। और यह जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस घोटाला कर रहे हैं, इस पर लगाम लगे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था जो बदहाल है इसका कायाकल्प हो। मऊ जिले में कई राजनीतिक दल के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी के लिए लगे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी नेता ने बाइक रैली निकाली और जनता के बीच जाकर लोगों से आशीर्वाद बनाए रखने के आग्रह भी किया। बता दें कि बाइक रैली खुरहट बाजार से निकलकर मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए कामों का गुणगान भी लगातार किया जा रहा है। तो मऊ की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी ने एक बाइक रैली निकाली है, जनता के बीच बीजेपी के नेता लगातार पहुंच रहे हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर जो कवायदे हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हर कोई होड़ लगाए बैठा है। ऐसे में बीजेपी हो या तमाम दूसरी पार्टियां हों, वो एक से बढ़कर एक यहां पर रैलियां निकाल रही हैं, साथ ही साथ जनता के बीच पहुंच बनाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता ने बाइक रैली निकाली और जनता के बीच जाकर लोगों से आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आग्रह भी किया है। ये बाइक रैली खुरहट बाजार से निकलकर मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पहुंची, जहां बीजेपी नेता की ओर से किए गए कामों का गुणगान भी किया गया है और जो योजनाएं सरकार की तरफ से पहुंची हैं उनका भी यहां पर बखान किया गया।
मुरादाबाद में नाबालिग बच्ची की बरामदगी के लिए एक मां महिला थाने के सामने बैठ गई। बता दें कि इस महिला की बच्ची पिछले 9 दिनों से लापता है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। वही बच्ची की बरामदगी की मांग को लेकर ये महिला थाने के ठीक सामने धरने पर बैठी हुई है। मुरादाबाद की तस्वीरें जहां पर महिला थाने के सामने ये पीड़ित महिला बैठी हुई है। बच्ची की गुमशुदगी को लेकर धरने पर ये महिला बैठी हुई है। हाथों में आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स लिए हुए हैं। मासूम बच्ची 9 दिनों से लापता बताई जा रही है। तमाम शिकायतें वो कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसे में महिला थाना के बाहर ही वो अपनी बच्ची के पोस्टर्स लेकर हाथों में बैठ गई है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने बहुत समझाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला मानने के लिए तैयार नहीं है। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उसकी बच्ची सही सलामत उसके पास नहीं पहुंच जाती, तब तक उसका ये जो धरना है वो यहीं पर चलता रहेगा। मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिला थाने के सामने एक पीड़ित महिला बैठी हुई है। अपनी बच्ची की गुमशुदगी को लेकर लगातार वो रिपोर्ट लिखा चुके हैं, इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बच्ची के गायब होने की शिकायत को लेकर के वो अनशन पर बैठी हुई हैं। उनकी मदर हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बच्ची आई थी उनके और एक FIR की कॉपी, हालांकि FIR इनफैक्ट उनकी अपनी माँ के विरुद्ध ही थी, और हमारी महिला ऐसा उन्हें बैठाया था और तब तक वो लड़की कुछ लेने के बहाने निकली और कहीं चली गई। अभी तक लड़की गुमशुदा है, उसी को खोजने को लेकर के वो अनशन पर बैठी हुई है। देखिए, इस विषय पे अभी हमारी पहली प्रायोरिटी उस लड़की को खोजने की है। आरोप की बात जहाँ तक है, SP CT साहब लोग हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी लड़की को खोजने को लेकर के। हम आसपास के लोगों की CC फुटेज वगैरह निकलवा रहे हैं, अगर जैसे ही निकलती है तो पहले हम लड़की को खोज लें, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई बात नहीं बनी, उनका कहना है कि लड़की को खोजी तभी हम उठेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 25वें मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा और शैक्षिक समारोह का उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जिला मुख्यालय के स्टेडियम में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर जिले के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। वही प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के आयोजन का मकसद बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उनका चहुंमुखी विकास करना जरूरी है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन किया गया है। कई बच्चों ने इसमें भाग लिया, साथ ही साथ यहां पर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री पहुंचे। उधर का साफ तौर पर कहना है कि इस समारोह का उद्घाटन इसलिए किया गया कि जनपद सिद्धार्थनगर के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस बार मंडलीय 25वीं बेसिक बाल क्रीड़ा और शैक्षिक समारोह प्रतियोगिता का आयोजन की जो मेज़बानी है वो सिद्धार्थनगर को मिली हुई है। तो इस नाते आज यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं आया हुआ था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, हमारे बस्ती मंडल के तीनों जनपद के बच्चे बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, और वो कैसी उनकी क्षमता है, कैसी प्रतिभा है, क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, उसको स्वयं देखने के लिए आज मैं भी इस उद्घाटन समारोह में आया हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ BJP जहाँ अपनी जनविश्वास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अलग चुनावी सभाएं कर रही हैं। ऐसी एक चुनावी सभा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें सपा मुखी अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी संयुक्त रूप से इसको संबोधित करेंगे। वहीं जनसभा से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव राजा उर्फ राजा भैया ने अलीगढ़ में विवादित पोस्टर लगाए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि प्रदेश को संभालेंगे अखिलेश और माननीय जयंत, और 2022 के बाद चिलम फूकेंगे योगी महंत। वहीं इस पोस्टर के बाद से सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। अलीगढ़ की तस्वीरें जहां पर पोस्टर पर सियासी संग्राम छुड़ा हुआ है। नहीं, पोस्टर तो नॉर्मल है। 23 तारीख में माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी की जनसभा है, तो उसके लिए हमने लोगों से आग्रह किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचिए। तो नॉर्मल होर्डिंग पोस्टर है जो लगना चाहिए था। इसमें योगी को लेकर आपने बोला योगी चिलम फूकेंगे, क्या पूरा है इसमें, क्या कहना? देखिए, अब जो है प्रदेश को संभालेंगे माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी, और बाकी जो सत्ता में है उनका काम सत्ता संभालना नहीं है, वो अपने घर बैठे बीड़ी तम्बाकू पिए और अपना लाइफ एंजॉय करें।
बस्ती जनपद के 307 विधानसभा हरैया में कांग्रेस पार्टी की युवा महिलाओं ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आह्वान पर महिलाओं ने महिला शक्ति प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने जनता को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। बस्ती की तस्वीरें जहां पर महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाती हुई यहां पर महिलाएं नजर आई हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आवाहन पर ये यहां पर रैली निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। साथ ही साथ कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाती हुई ये महिलाएं भी नजर आई हैं। शक्ति का प्रदर्शन है जो प्रियंका दीदी ने हम लोगों को 40% जो आरक्षण दिया है, हर विधानसभा में महिलाओं को उन्होंने आदेश दिया है जा करके आप शक्ति प्रदर्शन कीजिए कि मैं हर विभाग में हर काम कर सकती हूँ। और महिलाओं को सबल बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि अब आप नारा लगाइए जय कांग्रेस जय पार्टी की, कि महिला अबला नहीं सबला। माननीय प्रियंका जी के आह्वान पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के माध्यम से हम सब यहाँ महिलाएं एकत्रित हुए हैं और आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अगर प्रियंका जी ने हम महिलाओं पर भरोसा किया है, 40% सीटें अगर आरक्षित की है, तो हम वो भरोसा उनका खाली नहीं जाने देंगे। के लिए मिला है यूपी चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी है। वहीं इसी के चलते सपा ने भी विजय रथ यात्रा निकाली। विजय रथ मंगलवार को एटा पहुंचा, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। एटा की तस्वीरें, चुनावी तैयारियों में सपा पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। सपा की विजय रथ यात्रा तमाम जिलों में पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज एटा पहुंची। एटा में अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए। बलरामपुर में आजादी के अमृत महोत्सव का समापन किया गया। वहीं इस समापन समारोह में बीजेपी के विधायकों और अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। बता दें कि अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम छात्र छात्राओं की ओर से किया जा रहा था। वहीं समापन समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बलरामपुर की तस्वीरें, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव का समापन किया गया है। बीजेपी विधायक कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय बंद करने की धमकी दी है। वहीं इसको लेकर सेल्वा कुमारी ने किसानों से कहा कि अगर आप कार्यालय बंद कर देंगे तो हम जन सुनवाई कैसे करेंगे। बता दें कि किसान लंबे समय से चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर डीएम और मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे नाराज होकर चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज हम सुबह से जो धरना दे रहे थे नई चीनी मिल के विषय पे दे रहे थे। प्रशासन हमसे सुबह से आज एक वीडियो दिखा करके कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए, मतलब घोषणा कर दी है चीनी मिल की। हमने कहा ये घोषणा जो है ये एक आश्वासन है, इसकी जो भी एक लिखित है वो हमें दिखा दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। जो भी उन्होंने कहा है कहीं लिखित में तो होगा। उन्होंने सुबह से कोई हमें ऐसा कोई लेटर नहीं दिखाया। अभी मुख्यमंत्री जी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सदन में बोला है उसका 116वें पेज पर हमें बताया कि जो हमारा बजट है उसके 116वें पेज नंबर पर है। उसमें उनका जो भी हमारी साता चीनी मिल के लिए जो घोषणा की गई है वो हमें दिखाई पढ़ाई और हमें उन्होंने फॉरवर्ड भी किया। उसके बाद में किसान उससे संतुष्ट हुए हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी चीनी मिल के लिए बजट भी पास होगा और चीनी मिल बनेगी और उसी के तहत किसान संतुष्ट है और यहाँ से अपना धरना समाप्त किया है। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रघुपुरा के स्कूल में प्रैक्टिकल देकर लौट रहे छात्रों की कार एक सिविर में जा गिरी। वहीं कार सवार दो छात्र और छात्रा की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं मृतकों के शवों को इलाज के लिए आपको बता दें कि जो घायल है उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ग्रेटर नोएडा में ये भीषण हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी छात्रों की शिविर में जा गिरी। शिविर में गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
सिद्धार्थनगर में जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद के झुलनीपुर चौराहे पर एक बीज भंडार की दुकान की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकान पर छापेमारी की। वहीं इस मामले को लेकर किसानों ने बताया कि दुकानदार ने उन्हें यूरिया खाद 400 रुपये प्रति बोरी की दर से दी है, जिसके बाद आरोपी दुकानदार पर FIR दर्ज कर ली गई है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, उर्वरक दुकान पर छापेमारी की गई और दुकानदार पर कालाबाजारी का आरोप भी लग रहा है। भंडार झुलनीपुर इसकी दुकान के प्रोपराइटर विजेंद्र मौर्या की शिकायत मिली कि 400 रुपया में यूरिया बेच रहे हैं, उसमें से थाना क्षेत्र के दुर्गानगर में एक मकान में घुसकर कुछ दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। खबरों की माने तो घटना के पीछे मकान का विवाद बताया जा रहा है, जिसे लेकर मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन में चल रहा है। फिलहाल पूरी घटना के बाद COCT ने मामले में जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। औरैया का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने के लिए मिली है। दरअसल दिव्यापुर थाना क्षेत्र के दुर्गानगर में एक मकान में घुसकर कुछ दबंगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर मारपिटाई की। वहीं इस मारपिटाई का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। खबरों की माने तो घटना के पीछे मकान का विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन में चल रहा है। फिलहाल पूरी घटना के बाद COCT ने मामले में जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। तो ये की तस्वीरें, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने के लिए मिली, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ है। और ये की जिला अस्पताल चिचौली में बाथरूम के पीछे एक नवजात का शव खून से लथपथ मिला। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस को दे दी गई। बच्चा था, खून से लथपथ था, बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति में था, तो बच्चे को तत्काल उसको SNCU में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु भी हो गई है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है, जांच की जा रही है। मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार दावा कर रही है कि थानों में पीड़ितों की सुनवाई हो रही है, लेकिन यूपी के बस्ती जिले में फरियादियों की पुलिस फरियाद सुनने को तैयार नहीं। यहां पीड़ित दूर दराज से आकर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं। ताजा मामला बस्ती के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक परिवार के गाँव के ही दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर पिटाई कर दी। वहीं इस मारपिटाई में पति पत्नी घायल हो गए। इसको लेकर जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा, तब पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। बस्ती की तस्वीरें, जहां पर न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचा परिवार, लेकिन पुलिस परिवार की नहीं सुन रही है। फरियादियों की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन के मामले को लेकर पीड़ित परिवार को दबंगों ने पहले मारा पीटा, उसके बाद धमकी दी है। जब इसकी फरियाद लेकर जो पीड़ित हैं वो थाने पहुंचे, तो वहां पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। मैं घर पहुंचा, जब जो है बीवी के हमारे ऊपर अटैक किए थे घर वाले, उनको मार पीट रहे थे, मैं छुड़ाने गया, उसके बाद में बस लाठी से मार दिए, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया है डॉक्टर होने के बाद ही पता चलेगा, पूरा सूजन आ गया हाथ में। थाने पे आप लोग नहीं गए थे? थाने पे गए थे सर जी, सुबह से ही थाने पे इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बता रहे हैं ये नहीं लिखा जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। भाई हम लोग क्या करें। फरुखाबाद में ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत पर महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, साथ ही रोड भी जाम कर दिया। वहीं परिजनों की माने तो डॉक्टर ने उनसे पैसे की डिमांड की थी और पैसे न देने पर उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया है। फरुखाबाद की तस्वीरें, जहाँ पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मामले में परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जमकर प्रदर्शन किया।
साथ घटना ये हो गई। नॉर्मल लेके आए थे, यहाँ पता नहीं क्या निकाल लिया गया क्या नहीं। मेरी माँ उस दिन से बीमार है और ना कुछ खाती पीती। किस चीज के लिए यहाँ दिखाने आए थे? रिपोर्ट दिखाने आए थे, इन्हें भर्ती कर लिया और पता नहीं अंदर क्या किया। अच्छा, कोई ऑपरेशन वगैरह था? ऑपरेशन वगैरह नहीं था, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। मेरे पिताजी कुछ जानते नहीं, उनसे साइन करा लिए। फिरोजाबाद में 7 महीने से रुके वेतन को मांगने कर सफाई कर्मियों से नगरपालिका के ठेकेदार ने बदतरता की, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। साथ ही थाने में जमकर हंगामा भी काटा। पीड़ितों का कहना है कि ठेकेदार ने तकरीबन 150 सफाई कर्मियों का वेतन नहीं दिया है और जब वो वेतन मांगने गए तो ठेकेदार ने उनसे अभद्रता की, जिसके चलते वो ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग भी लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के शिक्षा परिषद के महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में नियमित तौर से बच्चों को सुबह श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया जाता है। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि सुबह सुबह बच्चों को नियमित पूजा पाठ करने से मन शांत और पढ़ाई में मन लगता है और इसलिए प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाया जाता है ताकि बच्चों की बुद्धि और विकास को प्रबल उन्नति मिल सके। तो गोरखपुर की तस्वीरें जहां पर बच्चों को रोजाना सुबह श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि इससे बच्चों की मन की प्रबलता और उन्नति भी होगी। ओ हेलो, गोरखपुर में भागवत गीता कथा पाठ हो रहा है 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर एक्चुअली श्रीमद् भागवत जयंती शुरुआत हुआ है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को 15 दिन तक करा जाए लगातार। भगवद गीता जीवन का सार है और अगर यूँ पूछा जाए कि स्कूल में क्यों, तो स्कूल लेवल से ही छोटे बच्चे के मन में हम लोग एक सकारात्मक भावना पैदा कर सकते हैं। गीता के हर एक अध्याय, हर एक श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कुछ युद्ध के टाइम, तो वो हमारे मन का नकारात्मक शक्ति को दूर करके आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और जीवन का मूल लक्ष्य क्या है उसे बताते हैं। भगवत गीता का जो पाठ होता है वो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और हमारे ये योगी जी का स्कूल है और जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी ने ये नियम लागू करके बहुत अच्छा किया है। और जब हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण जी का जो उपदेश है वो हमारे अपने जीवन में मतलब उनके जो उपदेश है उनके अपना जीवन में पालन करें और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम स्कूल में सुबह सुबह आके गीता का पाठ सुनते हैं। हमारे स्कूल में भागवत गीता का पाठ होता है, बहुत ही हमारे गर्व की बात है और ये श्रीमंत योगी जी का स्कूल है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक मंदिर में आ रहे हैं, जिससे कि जो पाठ हो रहा है गीता का ये बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा है और हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे वो उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। हमीरपुर में लगातार जिला प्रशासन अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में एक प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन सहित 10 ट्रकों को सीज किया गया। साथ ही रास्ते में मिले 15 ओवरलोडेड ट्रकों पर भी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आपको लखीमपुर में आए दिन होने वाली चोरियों से पता चल जाएगा। बता दें कि जिले में आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती हैं लेकिन पुलिस को इसकी सुध नहीं है, जिसके चलते अब यहाँ लोगों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठा लिया है। बता दें कि यहाँ के लोग अब पूरी रात चोरी से बचने के लिए पहरा दे रहे हैं। वहीं जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि बीते कई दिनों से लगातार मोहल्ले में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी लगातार स्थानीय पुलिस को देने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, जिसके चलते उन्होंने खुद ही सुरक्षा का बड़ा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। पहरा इस वजह से उठ रहे हैं, एक दिन में करीब 2 जगह चोरियां हुई। भाई एक बेचारे बहुत गरीब राम अवतार थे, उनके वहाँ घुसे और उनके उन्हें कमाने वाला था, केवल 2 मियाँ बीवी थे, उनकी खाली बेटियाँ थी, उनकी शादी हो गई और कॉलोनी का पैसा उनका आया हुआ करीब 20,000 रुपये निकाल के लाए, जो कि गिट्टी मोरंग वालों को देना था जो है, वो रात में घुसे बेचारे उनके वहाँ चले गए, एक छोटे हैं सबसे किनारे उनके वहाँ घुसे जो है। तो पुलिस को तहरीर नहीं दी? पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने कहा इसमें अपने दरवाजे लगवा लो जो है, अब उनके पास पैसा नहीं है कि वो दरवाजा कैसे लगाए।
तो कितनी चोरियां हुई होंगी लगभग? रामोतार के वहाँ चोरी, भाई इधर बाग में तौले के वहाँ चोरी हुई, और एक रोज जो है वहाँ नसीर के घर में घुसे तो वहाँ पे जो है जाग गए हम लोग, तो वहाँ पे उनको भगाया, तो पूरे महल्ले का चक्कर लगा के फिर आधा घंटे के बाद जो है फिर तुरंत जो है उन लोगों ने वापसी मारी। अब वो लोग कह रहे हैं कि जो कितना जागोगे, जो है हम किसी न किसी दिन सोओगे तो है ही जो है, उस दिन तुम लोगों को बताएंगे। जो पहरा इसलिए दिया जाए क्योंकि दिन रात में चार चार बार चोरियाँ हो रही यहाँ पे खेरी के अंदर, बीच बस्ती में आकर के लोगों के घरों में घुस कर निकाल करके ले चले जा रहे हैं, पुलिस वाले भी आते हैं सायरन लगा करके चले जाते हैं, एक दो बार आते हैं उनमें क्या होता है। इसीलिए हम लोग जितने भाई हैं अपने आप अपना सेफ्टी करने के लिए इसीलिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।